नीति क्लास मरहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सब साउलम पंच परमेष्ठी भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि अधिकतर लोग अपने जीवन से दुखी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन की कमियां देखते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए, आज मेरे पास वो होता तो ये भी होता। बहुत सारे प्रकार के संकल्प विकल्प चलते हैं, और जबकि वास्तविकता ये है कि आपके जीवन में दुख का स्थान है ही नहीं, आपके जीवन में कोई भी दुख है ही नहीं, आपके जीवन में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी दुख नहीं है। देखो, आप छोटा सा बच्चा जो आज का जन्मा हो, 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, एकदम निष्फिक्र होकर के जीता है। जब उसको चाहिए तो भूख लगी तो रो दिया, पेट भर गई तो सो गया। ये जीवन आप भी जी सकते हो, ऐसा जीवन आप भी जी सकते हो। आपको लग रहा है कि आपके जीवन में दुख है, बिल्कुल नहीं है, आपसे अच्छा जीवन किसी और का है ही नहीं। एक बार झांको तो, एक बार टटोलो तो, आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये चीजें और होना चाहिए, बस यहीं से दुख प्रारंभ होता है। एक बेटे ने अपने पिता से बोला, पिताजी ये पड़ोसी अपने बहुत सुखी हैं क्यों? बोले अपना घर तो 7 माले का है और इसकी झोपड़ी है, और आपको बहुत सारे विकल्प रहते लेकिन इसको कोई विकल्प रहते ही नहीं, ऐसा क्यों? धीरे से पिताजी कहते हैं, बेटा भी वो 99 के चक्कर में नहीं पड़ा। बोले इसका मतलब क्या होता है पिताजी, इसका मतलब क्या होता है? बोले तुझे दिखाता हूँ। उसके पिताजी ने 100 सिक्कों की थैली मंगवाई, उसमें से 1 सिक्का निकाल करके अपने पास रख लिया और रात्रि में उस झोपड़ी में फेंक दिया। सुबह उठ के वो देखता है कि अरे मेरे घर में सिक्कों की थैली, 1 भी सिक्का चांदी का उसके घर पे नहीं था। वो जो कमाता था वो खाता था, सो जाता था सुकून से। झोपड़ी के खर्राटे की आवाज़ उसके महल तक जाती थी। 99 के सिक्के उसने थैली उठा ली, गिनता है पूरा परिवार बैठ के, कितने हैं कितने हैं? बोले 99, चलो 100 पूरे कर लेते हैं। 100 करने गए तो 102 हो गए, कमाते कमाते 102 हो गए, और फिर कमाने में लगे तो 102, 140, 150, 160, सोचा कि 200 कर लेते हैं। फिर वो 197, 198 पहुँचे, फिर 5 कमा लिए तो 203 हो गए। अब वो बेचारे ना दिन को सुकून मिले ना रात को, जो रात को सुकून से सोता था वो रात को भी काम करने जाता था, क्यों? और उसका खुशहाल जीवन दुखमय हो गया, क्यों? उसने अपने जीवन में दुख को बुलाया, और आप भी अपने जीवन में दुख को बुलाते हो अपनी आकांक्षाओं से। मैंने देखा है कि आज के दौर में नीति कह रही है कि आज के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से दुखी हैं। देख लो आप, जिसके पास कार है वो सोचता है कि बड़ी कार मिल जाए, जिसके पास कार नहीं है वो सोचता है कि कार खरीद लूं, जिसके पास घर है बंगला है उसको लगता है कि बाजू वाले का और खरीद के बड़ा कर लूं, जिसका नहीं है उसको लगता है कि बंगला बना लूं, जिसके पास कीपैड वाला फ़ोन है तो उसको लगता है कि एंड्रॉयड ले लूं, एंड्रॉयड ले लिया तो लगता है कि अब एप्पल का ले लूं। देखो आप हो क्या रहा है, अधिकतर लोग आज के दौर में अपने जीवन से दुखी हैं।
ऐसे लोगों को दूसरों की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। जो लोग अपने जीवन से दुखी हैं उनको दूसरों की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। देखो वो कितना सुखी है। आज बाहर से यहाँ लोग आए तो आपको लगता है अरे इतना बड़ा आदमी इतनी बड़ी कार से आया है। कहीं पूछा आपने उसकी है कि किराए की है? कभी पूछा क्या? नहीं। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि तेरी पत्नी गुलाब जैसी है। ध्यान से सुनना, एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि तेरी पत्नी गुलाब की तरह है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से सेटिस्फाइड नहीं था। तो दूसरा उसका मित्र कहता है कि तेरी बात तो सही है, गुलाब की तो तरह है, लेकिन कांटे का एहसास तो मुझे ही होता है। बात समझ रहे हैं? अपन दूसरे के जीवन में ही मानते कि इसके जीवन में सुख है, उसके जीवन में सुख है, जबकि वास्तविकता में कोई सुखी नहीं है। जो भी संसार में सब दुखी हैं, एक ना एक खटका सबके पीछे लगा है। कभी नीचे देखें जमीन में, आपसे भी दुखी कोई है। आपको जिस दिन लगे कि आप दुखी हैं, आपका जीवन दुखमय है, कभी सीता जी को देख लेना, अंजना सती को देख लेना, या आपके आसपास कोई झोपड़ी में रह रहा हो तो उसको देख लेना। हम लोगों ने देखा, एक भोपाल की बात है, एक पत्नी मुझसे बोल कर गई कि बोले मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। मैंने क्या हो गया? बोले बात ही नहीं सुनते। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम में जा रहे हैं गुरुजी के साथ, फिर अपन दोपहर में बात करते हैं। हम लोग कार्यक्रम स्थल में पहुंचे और एक महिला दौड़ के आई, उसके साथ उसका पति भी आया और उसको मार रहा था। उसने उसको देखा, मैंने उसको देखा। मैंने कहा ऐसा करता है क्या? बोले नहीं, अच्छा है, अच्छा है, सुनते नहीं है, बस इतनी है ना, और क्या है। आपके जीवन में वास्तविकता में कोई दुख है ही नहीं, आप स्वयं दुखी होते हो। किससे? अपनी आकांक्षाओं से, अपनी आकांक्षाओं से। ये आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। मेहनत करना, ऊंचा उठना, ऊंचे लक्ष्य बनाना, इसकी मनाही नहीं है, लेकिन जो प्रतिफल प्राप्त हो उसमें सेटिस्फाइड भी रहना। मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। जो लोग अपने जीवन से दुखी हैं या अपने जीवन में कोई ना कोई कष्ट मान लेते हैं, मेरा मानना है कि उनको अपनी जिंदगी को दूसरों के नजरिए से देखना प्रारंभ कर देना चाहिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के नजरिए से देखना प्रारंभ कर दो, स्टार्ट कर दो। अब अपनी जिंदगी को दूसरे के नजरिए से देखने की, आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं होगा। एक व्यक्ति शहर के शोर शराबे से दूर गांव में रहता था और गांव में उसका घर था। शांति से रात को कोई भी हल्ला नहीं होता था और वो इजीली सो जाता था। कोई पॉल्यूशन नहीं, सुबह से 5 बजे से गाय की मुर्गों की आवाज़ें उसको उठाती थी, ठंडा मौसम था। लेकिन उसके मन में एक बात आ गई कि सारे दोस्त नगर बस गए हैं, मैं ही बस एक हूँ जो गांव में हूँ। मेरे सारे रिलेटिव नगर चले गए, बस मैं ही एक बचा हूँ जो यहाँ रह गया हूँ। तो सोचते हैं कि इस जगह को बेच करके अब अपन भी बाहर चलते हैं, कुछ शांति की ज़िंदगी जिएंगे। उसने अपने दोस्त को बुलाया, वो रियल स्टेट का व्यापारी था। मित्र से कहता है कि मित्र ये घर बेचना है और ये घर बेच करके मैं चाहता हूँ कि कहीं और जाऊँ जहाँ शांति मिले। उसके दोस्त ने समझाया, भाई घर दिखाओ, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी हवेली। बोले तेरे घर जितना आंगन है उतना तो लोगों के यहाँ घर होता है शहरों में। बोले नहीं, मुझे तो वहीं जाना है, वहीं शांति है, यहाँ कुछ है ही नहीं। उसने कहा एक बार और सोच ले। बोले हाँ सोच लिया, ठीक है। उसके दोस्त ने कहा कि एक हफ्ते बाद बताता हूँ। 2-3 दिन बाद उसने पेपर में ऐड देखी, उसमें ऐड थी एक हवेली बेचना है, चारों तरफ पहाड़ और घर से 200 मीटर दूर नदी बह रही है, चारों तरफ हरियाली, बड़ी सी हवेली, खुला वातावरण,
जिनको भी चाहिए हो संपर्क करें, शांति का वातावरण। और उसने बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी, वो खुश। उसने देखा पेपर में ऐड आई, ऐसा घर तो अपन को चाहिए ही है। उसने फ़ोन लगाया कि भैया ये घर कहाँ है, मुझे घर चाहिए। उसने फ़ोन अपने दोस्त को ही लगाया था और वो ऐड उसी के घर की थी। जब उसने अपने घर को दूसरे के नज़रिए से देखा, तब उसको मालूम चला कि उसका घर तो बहुत सुंदर था। आप अपनी ज़िंदगी को दूसरे के नज़रिए से एक बार देखें तो, और हमारे जैसे के नज़रिए से देखें तो फिर क्या बात है। आपके जीवन में किसी को भी कोई दुख हो मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूँ, कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा। मैंने कहा पैसा नहीं चल रहा, दुकान पे माल तो है? बोले हाँ। मैंने कहा इसको देखो, इसने पूरा माल एक आदमी को बेच दिया और वो भाग गया, वो भाग गया, उसने आत्महत्या कर ली और लिख के चला गया कि ये व्यक्ति परेशान कर रहा है। अब जिसने पैसा दिया, एक तो पैसा गया और वो अलग भाग रहा है, कहीं पुलिस ना पकड़ ले। बोले नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ। आप अपने आप को दूसरे के नज़रिए से एक बार झांक के तो देखें, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ है, बहुत शांति है, बस आप उसी भाग दौड़ में लगे हो, अंधाधुन में लगे हो कि नहीं मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। ध्यान रखना, प्रकृति देती है अगर तो वापस ले भी लेती है, और जितने हिसाब से देती है उतने हिसाब से लेती भी है। जब प्रकृति किसी पेड़ में फल देती है तो पतझड़ में उसके पत्ते भी ले लेती है। तो अगर प्रकृति से आप मांग रहे हो तो ध्यान रखना, प्रकृति कुछ ना कुछ लेगी भी। इसलिए जो चल रहा है उसको एंजॉय करो, जो भी आपको मिल रहा है उसका आनंद तो लो, और जो नहीं मिल रहा उसका दुख है, ये भी मिल जाए तो और वो भी मिल जाए तो। बुंदेलखंड में कहते हैं जितना पचे उतना ही खाओ, जितना आपको पचे उतना ही खाओ, जितना आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं उतनी ही रखें, उससे ज़्यादा रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, संकलेशता हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के नज़रिए से देखने, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के नज़रिए से देखें, आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है और दूसरों से बहुत अच्छी है। नहीं तो कभी आप रात को निकलना गरीब इलाकों में, वो पति रात को पी के आया और पत्नी को पीट रहा है। पत्नी क्यों पीट रहा है? बोले खाना नहीं बनाया तूने। अब वो खाना बनाए कैसे? उसने बर्तन तो बेच दिया, दारू पी ली। जो खाना बनाने का बर्तन था वो ही बेच करके आ गया। कब? जब पत्नी बर्तन धोने गई थी। उसकी क्या जिंदगी है? दूसरों की जूठन धो करके वो अपनी जिंदगी जी रही है, और आप कह रहे हो कि वो सुखी है, मैं दुखी हूँ। अंदर से खुद को झांकें, टटोलें, आप बहुत सुखी हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो ये ना सोचें कि भगवान ने क्या परेशानी दे दी, अरे ये देखें, ये सोचें हमें किसी को सेवा करने का मौका मिला है, हमें किसी की सेवा करने का मौका मिला है। अपन अच्छा क्यों नहीं सोचें? अपन पॉजिटिव सोचते नहीं है तो पॉजिटिव होता नहीं है। अभी आप सोचो कि बहुत गर्मी है, हे भगवान बहुत गर्मी है, तो गर्मी लगेगी। आप सोचो कि अब मौसम पहले से अच्छा हो गया है तो आपको फील गुड होगा। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो आपको खुद में खुश रखने की कला सिखाते हैं। खुद ही खुद में खुश कैसे रहें? सबसे पहली बात है कि अपनी क्वालिटीज़ देखें। आपको अगर खुद में खुश रहना है तो अपनी क्वालिटीज़ देखें कि आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। देखना, आप दो बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से एक बच्चा बहुत खुश है, वो साइकिल चला रहा है दोनों हाथ छोड़ के और बहुत खुश है, और साथ वाले के पास बाइक है वो दुखी है। क्यों? अरे यार मेरे से साइकिल चलाते नहीं बनती हाथ छोड़ के। अरे तेरे से बाइक चलाते बनती, तू बाइक चलाता है ना, वो देखना। जो क्वालिटीज़ आपके पास हैं आप उसको देखोगे तो आप खुद में खुश रह सकते हो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर है, बहुत क्वालिटीज़ हैं। अगर कोई दुबला पतला है और उससे कोई कहे कि तुम दुबले पतले हो,
तो उसको दुखी नहीं होना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि मैं मेरे अंदर कितनी स्फूर्ति है, मेरे अंदर कितनी स्फूर्ति है। आप जैसे हैं उसकी अपने अंदर की क्वालिटीज़ को देखते जाएं, और जितना आप क्वालिटीज़ को देखते जाएंगे आप खुश होते जाएंगे। बिल्कुल, अगर कोई बोले कि आप सांवले हैं तो बोलना हाँ भैया कभी नज़र नहीं लगेगी, इसमें क्या दिक्कत है, अपनी क्वालिटीज़ देखे ना। बोले तुम बोले गोरे नहीं हो, कोई बात नहीं हम भगवान कृष्ण की तरह हैं। बोले गोरे में क्या है, और ज़्यादा कोई बोले ना कि तुम सांवले हो काले हो तो उससे एक बात कहना, देख भाई तू कितने ही गोरा हो जाए, जब जिस दिन जलोगे दोनों गोरे हो जाएंगे। अगर आप बाहर की चीज़ों को दूसरों से कंपैरिजन करोगे तो दुख मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ देखें, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी देखें, और मैं कह रहा हूँ कि अपने से कमज़ोर को देखें तो आप खुश रह पाएंगे, बहुत खुश रह पाएंगे। मैंने एग्ज़ाम, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दिया और पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया, मतलब 90 मार्क्स का मैं करके आया, कॉलेज की बात है, और मेरे को लग रहा था कि 100% करके आऊँगा। मैं बहुत दुखी था कि यार 90% करके आया हूँ। साथ में एक लड़का और मिला जिससे कॉम्पिटिशन था, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, अरे और पूरा पेपर बिगड़ गया आज तो, क्या हुआ, बोले 70 मार्क्स से ऊपर करके नहीं आया। मैं तो वैसे ही खुश हो गया, क्यों उसका बिगड़ गया। देखो अपने से कमज़ोर को देखो तो ताकत आती है। तो जो आपसे नीचे स्तर पर है, धन से, संपत्ति से, चैपुण्य से, किसी भी प्रकार से, एक बार उसको देखो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं भैया मैं उससे अच्छा हूँ। ये आपको खुद के अंदर खुद ही खुश रहने की कला है, वो सीखें। और एक विशेष बात है, अपने इंटरेस्ट का काम करें, जो आपको पसंद हो उस इंटरेस्ट का काम करें, कभी आपको दुख मिलेगा ही नहीं। देखो आप, ये माताएं कभी दुखी नहीं होती, क्यों, इनको किचन में काम करना बहुत पसंद है, वहीं लगी रहती हैं। कुछ नहीं हुआ तो झाड़ू नहीं, न पहुंचा नहीं तो कल के लिए मटर छील लो। ये अपने इंटरेस्ट का काम करते रहते तो खुश रहते हैं। आप भी अपने इंटरेस्ट का, अपनी हॉबी का काम करते रहो, खुश रहोगे, क्योंकि वो चीज़ आपको खुशी देगी। मैं दिन भर में बहुत सारे काम ऐसे भी करता हूँ जो मुझे खुशी दें। मैं प्रवचन करता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, मैं बोलता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय मैं खुद को भी देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं वो काम भी करना पसंद करता हूँ जो मुझे खुशी दे। अगर खुद के लिए कोई काम आपको खुशी दे रहा है, अब इससे बढ़ के क्या है। इसलिए अंतिम बात बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सेटिस्फाइड रहें।